नमस्कार, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। रिया ने कहा था ड्रग्स लेते हैं सुशांत, जिस पर शेखर सुमन ने दिया करारा जवाब, कहा प्यार करती थी तो ऐसा नहीं कहना चाहिए था। सुशांत सिंह मौत के मामले में लगातार आरोपों में घिरती नजर आ रही हैं रिया चक्रवर्ती, और अब रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के निधन के 2 महीने से भी ज्यादा अधिक समय के बाद अपनी चुप्पी तोड़ी है। रिया ने सुशांत और उनके परिवार के साथ अपने रिलेशनशिप पर बात की है। हाल ही में रिया चक्रवर्ती ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि सुशांत ड्रग्स लेते थे। रिया के इस बयान पर एक्टर शेखर सुमन का बड़ा रिएक्शन सामने आया है। शेखर सुमन लगातार सुशांत और उनके परिवार के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। उन्होंने सुशांत के बारे में रिया के दावों को लेकर निशाना भी साधा है। शेखर सुमन ने कहा है कि रिया को सुशांत के कथित ड्रग्स लेने के बारे में नहीं बोलना चाहिए था। उन्होंने ये भी कहा है कि हर किसी को अपना पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए। शेखर सुमन ने ये भी कहा कि रिया खुद कह रही है कि सीबीआई जांच चल रही है, तो तुम्हें सुशांत के बारे में कुछ गलत नहीं बोलना था। अगर तुम उसे प्यार करती थी तो उसके बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अब वो जा चुका है और अपनी सफाई देने वापस नहीं आएगा। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के असिस्टेंट रहे साबिर ने कहा था कि वो उनके साथ इतने दिनों तक थे, लेकिन ड्रग्स लेते उन्होंने कभी नहीं देखा और ना ही ऐसा सुना। ऐसा कुछ भी नहीं था। रिया ने जानबूझकर सुशांत पर गलत आरोप लगाए हैं। आपको बता दें, रिया चक्रवर्ती इंटरव्यू के बाद लगातार ट्रोल होती नजर आई और सभी उन पर निशाना साधते नजर आए, क्योंकि इस दौरान रिया चक्रवर्ती ने बहुत सारी ऐसी सफाई दी जो यकीनन किसी को भी हजम नहीं हो रहा।